अभी बोलना बोले तो टिप पे अपन हवा है ना बॉस, ऐसा ढकल रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, इसलिए बहुत हवा आ रहा है, बहुत है। देखो देखो शेक हो रहा है, देख इला भी गिरने वाले, गाल एक कदा नुके मशीन देख देखो देखो बस ये देखो कैसा घूम रहा है, मतलब हवा को गाड़ी भी कैसा शेक हो रहा है, देखो बहुत हवा है बॉस, बहुत हवा है, धीरे धीरे वो हवा का स्पीड भी बहुत बढ़ते जा रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, एंड आज अपन कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर को। दिस इज द लास्ट डे इन तमिलनाडु एंड वी आर एंटरिंग इनटू केरला। सीशल बोल के कन्याकुमारी के आज आस पास ही रहता है, बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में ताम है, मगर की ये जो प्लेस है ना होम स्टे में बहुत अच्छा है। एंड बीच में ये जो दिख रहा है ना आपको, मेरा सपना है बहुत रहना बोल के, बहुत अच्छा है, डिसेंट डिसेंट प्राइसिंग में है। नंद्री तमिलनाडु, थैंक यू सो मच, यू आर सो अमेजिंग। तमिलनाडु नल्लरेका तमिलनाडु नल्लरेका, एंड वी आर एंटरिंग इन टू द स्टेट ऑफ मलयालीस मलयालम, वी आर गोइंग टू केरला। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। पूरा यहाँ पे बात करें तो गोप्रो मोड में कुछ भी बात करने को नहीं मिलता, सीधा मिलते हैं गोप्रो मोड में। लेट्स गो, चलो, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, या या, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, या बाय। क्या रे, मार दिया मेरे को सिर पे, जाड़, जाड़ मार दिया। इंडिया के टिप से स्टार्ट हो रहे हैं, नॉट साउथ इंडिया, इट्स टिप ऑफ इंडिया, इंडिया कंप्लीट इंडिया का टिप है ये। टिप से स्टार्ट होके केरला के तरफ अपना सफरनामा शुरू। NH 44 ना, या दिस इज NH 44। हवा बहुत भयंकर है बॉस, या या, दिस इज एंड ऑफ NH 44, रोड एंड्स हियर। NH 44 रास्ते से अपन थोड़ा लेफ्ट साइड आ गए, यही रास्ता रहेगा पूरा अपने को। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज चट्टिकुलम जंक्शन, विच इज इन नागरकोइल तमिलनाडु। एक बार वो बड़े बड़े पहाड़ा देखो बॉस, कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छा है। अरे कह रहे लद्दाख के जैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा है। नागरकोइल है ना ये, बहुत अच्छा है व्यू तो, राइट साइड जो पहाड़ का। अय्या दिख रहा है, कह रहे तेरे को दिख रहा है क्या, मैं सोरो सो वॉइस आ। अरे क्या क्या आ रहा है झाड़ में से चिप्पा लगा के, ये झाड़ को नारियल का चिप्पा रहता ना, चिप्पा मतलब वन ऑफ द पार्ट ऑफ कोकोनट,
और झाड़ को लगा के एक स्ट्रॉ लगा के कुछ आ रहा है वहां से। हाँ एलिफेंट आ एलिफेंट शिट्टा ठीक एलिफेंट्स रहते हैं ना यहाँ पर। एक दिख गया तो बस रहा मेरे को। What kind of road is this man? Road construction चत्ता है। वामु रे यार एक जिसका बोतल रहा किरशा दो कहाँ लेके जा रहा है रे। मेरे को क्या क्या लेके जा रहे हैं मेरे को क्या मालूम। वो दिखा रहा मैप ऐसी लेके जा रहे हैं ऐसी यार ऐसी दिखा रहा है। 21 मिनट्स है यहाँ से अभी। तो ऐसे क्या कह रहे हैं जंगल में। अरे एक फिल्म भाई अरविंद बोल के एक फिल्म रहता है तेलुगु में वो ऐसी रहता ऐसा अंदर जाके घर जैसा रहता उसमें साइको आके मार देती पसक पसक बोल के मस्त डरावना रहता फिल्म भाई अरविंद बोल के। तमिलनाडु से केरला रूट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है वो थोड़ा देख लेना चाहिए। डक्सार अय्या चिकमंगलूर में अम्मू अम्मू इधर शमशान है रे लेफ्ट में शमशान घाट है शमशान घाट। वार ने अरे ये क्या रास्ता है रे मियां प्रॉपर केरला कुटियों दिखा रहे तू। ओके तू जाना फिर तू जाके रास्ता दिखाना इधर बैठ के फोटो निकलता मस्त रहता टाइम नहीं है बहुत बंगला। अभी जो गए ना वो तिरुपरापुर वाटरफॉल है वो आई मे स्पेल रॉन्ग बट यू कैन गूगल इट इट इज इन बिटवीन कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रम। या इट्स बिटवीन कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रम। वाओ ऐसा एक नज़र है इसके लिए पर्टिकुलरली आना बोल के नहीं है जैसे छोटा वाटरफॉल है बस उतना ही है उससे ज़्यादा नहीं है। एंड फाइनली वेलकम टू केरला। यहाँ से केरला बॉर्डर पे केरला शुरू हो गया। यस दिस इज केरला गाइस एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु केरला कंप्लीटली 6 स्टेट्स सक्सेसफुली फिनिश्ड टच्ड प्रॉपर केरला में एंटर हो गया ना अपन। यस officially 6th state that we covered on Bhairav NH66 this is NH66 and this will connect to your house also Naisha ye kya raha hai sara be careful 13 kilometers you have to stay on this 13 kilometers या सेम रोड इधर से केल ले रहा है क्या। नारियल के झाड़ा कितने देखो बस बहुत नारियल के झाड़ा पूरे नारियल है ये क्या अय्या अय्या बनाना। ओके ये अय्यप्पा मलाई नहीं होता ना बड़ा रहता ना वो अय्यप्पा मलाई गन्ना बनाना कोकोनट्स या शबरी मलाई कुत्तनम तिट्टा। ओके वाव
ओहो माउंटेन त्रिवेंद्रम। अरे बस दे बस, सीरियसली बहुत अच्छा है। आगे भी समंदर है, पूरा ट्रिप में समंदर का दर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। बस यही है, चलो दिखाता हूँ। अरे वाह क्या है बॉस, हर हर महादेव शंभो शंकर। क्या है स्टैचू, शिवा स्टैचू जबरदस्त। या दिस इज सो मच परफेक्ट, बहुत परफेक्शन है। फेस में देख, बॉडी शूलम पे, हाँ क्लॉथ क्लॉथ ना, एग्जैक्टली कितना परफेक्शन करे रहा। वाव बहुत अच्छा है, सामने जाके दिखाते हैं। एंड ये अजीम अला टेम्पल को बहुत बड़ी चरित्र है। अजीम मीन्स सी एंड मला मीन्स हिल, सी हिल अजीम अला का मीनिंग है। बहुत पांडवास भी यहाँ पे आ चुके हैं बोल के हिस्ट्री में है। तो यहाँ पे देखें ना, अरिमला महादेव टेम्पल, ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं गूगल में, बहुत अच्छा है। परफेक्शन देखो, एक बार परफेक्शन देखो, बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड वो जो सी देख रहे हैं ना, अरिमला सी है ना, वो अरिमला सी ना, दैट्स अरिमला सी, दैट्स अरिमला सी, बहुत क्लियर है। देखो कंप्लीट बीच है यहाँ से वहाँ तक, बहुत अच्छा दिख रहा है। आवाज देखे ना समंदर का, क्या घूम रहा है बॉस, बहुत अच्छा है। ये बहुत प्राचीन वाला मंदिर है, इसको स्टैचू को 2020 में अनवीलिंग करे थे। बस 20 साल का बच्चा है ये स्टैचू को बनाया, सो बहुत बढ़िया बनाया था। बस ये जो क्लैरिटी देखो परफेक्ट है, फेस तो बहुत अच्छा है। समंदर के बीच में, मतलब बीच में नहीं एक कॉर्नर में, बहुत क्लियर वाटर करना चाहिए। विजिट करके 1 hour 1.5 hour ईजिली रह सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ से निकल पड़े हैं कोवेलम बीच, विच इज़ अराउंड 6 to 7 kilometers, 9 kilometers 15 minutes, एंड देन तिरुवनंतपुरम। यस बस अपन 5 मिनट में बीच को भी पहुँचने वाले हैं। ऐसा रोड है तो अच्छा रहता था, आज पूरा बकवास रोड है, सीरियसली वर्स्ट रोड। वेलकम टू कोवल इंटरनेशनल बीच, वाव नाम ही इंटरनेशनल है, बस क्या है कोवलम, कोवलम इंटरनेशनल बीच। ओह माय गॉड आई डिडंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोवलम बीच। थोड़ा ये बीच गोवा का वाइब्स में है, कॉटन कैंडी है व्हाइट वाला, टर्निंग नहीं है, टर्न नहीं हो रहा वहां पे। एंड वी रीच टू त्रिवेंद्रम, यहाँ से होटल बस यहाँ पे फ्रेश अप होके नहा धो के ड्रेस डाल लेके सीधा मिलते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल पे। अभी अपन फ्रेश अप हो गए, पानी ना लिए, एंड अपन जाने वाले हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे जाते हैं, बहुत जनों को पता है, अगर से नहीं पता है तो तिरुवनंतपुरम इज़ अ बिगेस्ट टेम्पल एंड फेमस फॉर इट्स 7 doors। सो जो डोर्स है ना उसमें गोल्ड ज़्यादा आ गया,
सो उसके बारे में एंड चलो फिलहाल के लिए जाते हैं. एंड जीन्स नॉट अलाउड है वहाँ पे, कुछ धोती गीते खरीद लेके जाना पड़ेगा. एंड चलो गोप्रो गोप्रो अलाउ नहीं है. इट वॉज अ वेरी गुड दर्शन. दर्शन का टाइम हो गया था सो वहाँ पे एक कृष्णा जी बोल के इन्फॉर्मेशन सेंटर वाले थे, मगर कि बहुत अच्छा उनके रेफरेंस से बहुत अच्छा दर्शन हुआ. बहुत घंटे लगने वाला, जस्ट 10 मिनट में कंप्लीट हो गया. एंड 6 गेट्स 6 डोर्स का वो है ना सांप रहता के डोर से कुछ कुछ हुआ, और एक लास्ट डोर खोले तो युगांत आ जाता है, सुनामी आ जाता बोल के. वो पूरा बकवास है, वो पूरा यूट्यूब का फेक है. वो बात ध्यान में रख लो, कुछ भी सांप का फेक है, वो पूरा न्यूज़ फेक है. यूट्यूब में थंबनेल्स के लिए व्यूज़ के लिए पूरा डाल दिए सो है. सो नॉर्मल डोर से है, गोल्ड है बस. स्वामी देखना बॉस कितना विड्थ में, उनका हाथ ऐसा है पूरा नीचे है, ज़बरदस्त था, एक नंबर था. लाइफ में एक बार उनका दर्शन करना चाहिए. एंड ए व्लॉग बस यहाँ तक ही देखने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट डाउन योर थॉट्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. कल से और एक यात्रा शुरू. एंड इसी के साथ मैं निकल साहब आप सबसे विदा लेता हूँ अपने अगले ब्लॉग पर. तब तक डीएलएस से जय.